तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए पांच ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने वाला हूं जिनमें आप ट्रेड करें तो काफी अच्छे खासे रिटर्न्स आप जनरेट करते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट बताऊंगा कि एंट्री कहां पे करनी वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्टॉक से दोस्तों जो कि है अदानी पावर का। तो यहाँ पे अदानी पावर का हमने चार्ट आपके सामने खोल लिया दोस्तों। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम भी मैं बता दूंगा आपको सब कुछ। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो कि येलो कलर की आप देख सकते हो दोस्तों। इसको यहाँ पे सीधा सीधा इसने 9% की कैंडल से ब्रेक किया है, 9% की कैंडल से ब्रेक कर दिया दोस्तों। और दूसरा 255 रुपीज और 65 पैसे जो लेवल था उसको ब्रेक किया है दोस्तों इस स्टॉक ने। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं दोस्तों पास्ट में जाके। पास्ट में भी देखो इसी पॉइंट से जो है प्राइस गिरा भी था, इसी पॉइंट से सपोर्ट भी लिया था, इसी पॉइंट से दोस्तों फिर से सपोर्ट लिया था। और जब सपोर्ट लिया था ना तब अप्रॉक्स मोटा मोटा मान के चलो तो 63% के रिटर्न थे। यहाँ पे भी ब्रेक दिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाता है दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी आप देखो तो कैंडल बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टच करके गई थी दोस्तों। तो ये लेवल है इंपॉर्टेंट जिसको इसने किया है ब्रेक दोस्तों। और अब जब ब्रेक कर दिया है दोस्तों तब यहाँ पे देखते हो एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, हो सकता है थोड़ा सा रेड कैंडल से आपको कंसोलिडेशन मिल जाए। तो यहाँ पे आपको अगर एंट्री बनानी है दोस्तों तो आप बहुत रिस्की ट्रेड में पड़ सकते हो, बट आपको मैं बताता हूँ 6% के स्टॉप लॉस से 244 रुपए के आसपास 245 नेट आपको जो है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों। 244 रुपए और 90 पैसे का 245 का रख लीजिए दोस्तों आप। तो यहाँ पे टारगेट आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका 283 का रहने वाला है जो कि 8% का रहने वाला है, 8.5% आपको आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। अभी थोड़ा सा वीकली में चले जाते हैं दोस्तों, वीकली में क्या शो हो रहा है दोस्तों ये देखिए दोस्तों। आपको वीकली में टारगेट बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे 297-300 के आसपास का आपका नेक्स्ट टारगेट, और उससे नेक्स्ट जो है आपको 200 यहाँ पे 335 के आसपास का लेने वाला है जो कि 228% का है बस। बट फॉर स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका यही टारगेट रहेगा यहाँ पे लगभग 280 का मान लीजिए दोस्तों, 282 का मान के 8% का रिटर्न आप मान के चलिए दोस्तों शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म क्या स्विंग ट्रेडिंग में कुछ ही दिनों में दोस्तों। हो सकता है एक दिन में भी टच कर जाए, हो सकता है कुछ टाइम लगा दे दोस्तों, तो कुछ श्योर नहीं है। तो अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बालरामपुर चीनी ऐसा कुछ नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक खुला हुआ है, आपके सामने दो लेवल्स मैंने ड्रॉ करके 394 का 386 का, दोनों को यहाँ पे दोनों कंसोलिडेशन जो है यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे कंसोलिडेट किया ब्रेक किया, इसको भी कंसोलिडेट नहीं किया और यहाँ पे ब्रेक किया दोस्तों। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मैं आपको वीकली में चला जाता हूँ दोस्तों दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब जब इसमें प्राइस रुकता है तब तब एक तरफ जाता है दोस्तों प्राइस। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेते हो, यहाँ पे दोस्तों स्विंग ट्रेड लेने के लिए आपको स्टॉप लॉस कितना रखना होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस आपको 3% का रखना होगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। बट आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो ना तभी भी आपका 3-4% का ही बनेगा टारगेट दोस्तों। और अगर इसको हिट करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 6-7% का, और अगर इसको भी पार करता है दोस्तों तो यहाँ पे रिसेंट आपको लेवल्स का देख के बताऊंगा मैं, तो वो रखे रहने वाला आपका आपका लगभग लगभग यहाँ पे 450 रुपए के आसपास जो कि 13% का रहेगा दोस्तों। आपको 55-250 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे इसमें। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों जो कि यहाँ पे अपना महाराष्ट्र सीमल का। तो ये देखो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, फ्लैग एंड पोल मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे देखोगे फ्लैग भी यहाँ पे एग्जैक्ट है दोनों लाइंस को। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो स्विंग ट्रेड के लिए, पहले मैं आपको पास का डेटा जरूर से दिखाना चाहता हूँ, पास में ऐसा कोई लेवल स्टॉक ने टच नहीं किया दोस्तों। और अभी जो यहाँ पे दोस्तों इस अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ा है दोस्तों, तो काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका कितना रहने वाला है दोस्तों, कैंडल का लो जो कि 5-6% का रहेगा, 475 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। अभी एंट्री की बात हो गई, टारगेट की बात कर लेते हैं, स्टॉप लॉस की बात कर ली हमने, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 के हिसाब से भी आपका 10% का टारगेट बनता है, बाकी इससे ऊपर जाता है तो 5% और लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो कि हमारा फोर्थ स्टॉक होने वाला है दोस्तों, जो कि यहाँ पे टीवीएस मोटर्स का रहने वाला है दोस्तों, तो इसको खोल के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, एक बड़ा लेवल मैंने ड्रॉ किया था और उसके बाद से ही जो है स्टॉक दोस्तों कितना पंप हुआ है, लगभग 15-16% पंप हुआ, अगर जिन्होंने ट्रेड लिया था उनको पता होगा। अभी बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बारी की, यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है यहाँ से अगर मैं आपको एक और लेवल पे ड्रॉ करूँ ना, तो चलो ट्रेंड लाइन छोड़ो, लेवल ड्रॉ कर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेवल को एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी जो है एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है स्टॉक, और जब भी ये निकलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, और ये देखो ये निकल गया दोस्तों, ये निकला है 5-6% की कैनल के साथ में और अच्छी वॉल्यूम के साथ में निकला है दोस्तों, क्योंकि पीछे देखोगे वॉल्यूम 1 मिलियन तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है और आप जो है 5 मिलियन तक वॉल्यूम गई थी दोस्तों।
तो काफी अच्छी वॉल्यूम हुई थी दोस्तों। कैंडल का लो रखी स्टॉप लॉस जो कि 5% का रहने वाला है दोस्तों, 1300 के 10 के आसपास 11 के आसपास रहने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के दो हिसाब से यहाँ पे 10% के टारगेट और 5% और ऐड कर लीजिए, अगर इस टारगेट को टच कर देता है यहाँ पे ऊपर जाता तो आपको 5% और मिल जाएगा दोस्तों। बाकी ये हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक दोस्तों। अभी फिक्स स्टॉक की बात करते हैं, लास्ट जो स्टॉक है हमारा जो कि सभ्यता ऑयल टेक्नोलॉजी का दोस्तों। अभी इस स्टॉक में देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम है 307 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे आपको दिखा रहता हूँ दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखोगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक ऊपर भी गई है, बट यहाँ पे तो देखे ना प्राइस रुका है दोस्तों। जहां जहां प्राइस रुकता है वहीं वहीं सेलर्स या बायर्स एक्टिव रहते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ऊपर विक गई है, कोई मायने नहीं है, इसलिए मैंने उस लेवल को ही नहीं लिया दोस्तों। कई लोग विक को भी, अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, इस वीक को भी आप ले लोगे दोस्तों। ये देखो यहाँ पे प्राइस कितना ऊपर यहाँ पे रहा है, बट वो वीक थी दोस्तों। मंथली में तो देखिए आप, वो वीक थी, उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उसमें प्राइस इतना मतलब इतने वीकनेस थी दोस्तों उसमें, इसलिए प्राइस नीचे आ गया, तो वहां पे कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। यहाँ पे था, बट हमने ऑलरेडी लेवल बता तो रखा है कि यही तो हमारा टारगेट रहने वाला दोस्तों। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पिछले हाइज का आपका टारगेट रहने वाला है, मैं आपको पिछले हाइज का ही हमेशा जो है स्टॉप लॉस और यहाँ पे जो है लो का स्टॉप लॉस और यहाँ पे कैंडल के लो का 7% और पिछले हाई का ही हमेशा टारगेट बताता हूँ दोस्तों। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला रहने वाला है दोस्तों 5% का, सेकंड टारगेट आपका 11% का, और थर्ड टारगेट दोस्तों आपका कितना रहने वाला है, जो कि 28% का रहने वाला है। जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे 15-16% के रिटर्न जो है यहाँ पे निकल सकते हैं। 370 रुपये का आपका टारगेट रहेगा दोस्तों। बाकी वीडियो कैसे लगे कमेंट्स बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों।